हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नगर पालिका द्वारा सामान्य वर्ग आवासीय योजना के तहत लॉटरी के द्वारा भूखंडों का किया गया आवंटन। शहर के नगर पालिका भवन में लंबे इंतजार के बाद शुक्रवार को नगर पालिका द्वारा वर्ष 2015-16 में स्वीकृत की गई सामान्य वर्ग आवासीय योजना के भूखंडों की लॉटरी निकाली गई। योजना में 200 भूखंडों का आवंटन 1974 के तहत आरक्षण अनुसार पारदर्शित के साथ विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के लाभार्थियों की लॉटरी ड्रॉ के जरिए निकाली गई। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी विक्रम सिंह विशोई ने बताया कि 2015-16 में सामान्य वर्ग आवास योजना स्वीकृति की गई तथा 2017-18 में इसके आवेदन मांगे गए, जिसमें निर्धारित समय अवधि में 1442 आवेदन प्राप्त हुए, जिसके बाद पालिका स्तर पर आवेदन पत्रों की जांच के दौरान दस्तावेजों का अभाव एवं अमानत राशि पुनः लौटाने संबंधित कुल प्रकरण 39 आवेदन निरस्त किए गए। शेष आवेदन पत्र 1403 की लॉटरी ड्रॉ के जरिए शुक्रवार को कलेक्टर प्रतिनिधि तहसीलदार दीपक सांकला की उपस्थिति में भूमि निष्पादन 1974 के तहत आरक्षण के अनुसार कुल 200 भूखंडों का आवंटन पारदर्शित के साथ किया गया, जिसमें सरकारी कर्मचारी 20, सैनिक एवं पूर्व सैनिक 1, अनुसूचित जाति 18, अनुसूचित जनजाति 5, दिव्यांग जन 10, पत्रकार 1, सामान्य जनों के 145 भूखंड लॉटरी के द्वारा ड्रॉ निकाल कर उन्हें आवंटित किए गए। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष मंजू जुगल किशोर निकुम, उपाध्यक्ष रामलाल सांगला, पार्षद राकेश पवार, मंजू गहलोत, ऐश्वर्य सांगला, सुनीता सोनी, जोगेश कुमार, गणपत बोराना, राजेंद्र परिहार, मांगीलाल माली, तरुण सोलंकी, अनीता राठौड़, जाहिदा बानो, गुड्डी सिंगाड़िया, जितेंद्र खोरवाल, सुनील प्रजापत, ओम प्रकाश सिंगाड़िया, गौतम तवर सहित सहायक लेखा अधिकारी जगदीश लाल सोलंकी, नारायण दान आढ़ा, नेतराम बैरवा, हेमेंद्र सिंह, हितेश सोनी, महेंद्र बामनिया, रमेश पवार, भवर सिंह महेंद्र, महेश टाक, कपिल, सद्दाम हुसैन आदि नगर पालिका कर्मचारी उपस्थित थे। जागरूक टीवी की सौजन्य से नथाराम बोराना की रिपोर्ट।